हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो। तो आज मेरे पास है ईवो फॉक्स का गेमिंग माउस, जो कि स्पेक्टर है। स्पेक्टर इसका सीरीज है। इसका खोलने का प्रोसेस कुछ ऐसा है, यूं करके खोलना पड़ता है, इसके अंदर ऐसे निकाल के, जो कि एक हाथ से मैं कर नहीं पा रहा, ठीक है। ऐसे करके निकाल के खोलना पड़ता है। डब्बे के अंदर एक और डब्बा, ठीक है, अब इसको खोल देते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके से हमारा माउस निकल जाता है, और माउस काफ़ी लाइट वेट है, ठीक ठाक है। जो मैंने पहले जितने भी मैंने माउस रिव्यू किए उससे तो भारी है, कॉस्मिक बाइट एंड उससे भारी है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा हैवियर साइड है माउस। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, मटेरियल से बना हुआ ये माउस है। एंड इसके जो क्लिक्स है उसकी आवाज़ सुन लो। तो गाइस, ये जो है ईवो फॉक्स की तरफ से आता है, ईवो फॉक्स स्पेक्टर, और इसमें ब्रेडेड केबल दी हुई है हमको अच्छे से, बिल्कुल नीचे तक, एकदम नीचे तक इसका ब्रेडेड केबल गया है। कभी कभी कुछ कंपनीज क्या करती है, यहाँ पे रबर लगा देती है। इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा माउस है, अच्छा, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो ये इसका USB है। तो गाइस, इसकी RGB लाइटनिंग कुछ ऐसी है। एक बार मैं आपको ना लाइट ऑफ करके बता देता हूँ कैसी है। तो मैंने लाइट ऑफ किया एंड इसकी RGB देखो गाइस, कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन एक ही दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, बहुत कम है। एंड इसकी जो RGB हम कुछ नहीं कर सकते, रेनबो LED है, ठीक है। तो कुछ ऐसी RGB आती है, ठीक है। और कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे एक और माउस लगा रहा हूँ, जो कि HP की तरफ से आता है, ठीक है। मैं मॉडल नंबर भूल गया, बट हाँ, ये HP की तरफ से आता है। एंड थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसमें भी क्या सीन है। अबे लग जा मेरे भाई। तो गाइस, ये HP वाला माउस है और ये अपना ईवो फॉक्स वाला माउस है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, बिकॉज इसके लाइट्स ब्राइट है, ये HP वाला है एंड ये ईवो फॉक्स की तरफ से आता है, ये वाला, ठीक है। ये साइड से अच्छा है और ये ऊपर से अच्छा है। तो गाइस, मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए HP का एक माउस है मेरे पास, जो कि नीचे पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, एंड ये भी अब मैं यूज़ करूँगा। कुछ नया चाहिए था मुझे तो मैंने मंगवा लिया। एंड दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी वो बिल्कुल सिमिलर है। तो फ़र्क किस पे? फ़र्क है इसके क्लिक्स पे। ये साउंड सुनो एक बार, और ये साउंड सुनो, सेम लग रहा होगा, लेकिन इसको जो प्रेस करने के बाद जो फील आ, एक ऐसा लग रहा है कोई हैप्टिक है इसके अंदर, हाथ में कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका है लेकिन इसके जितना नहीं है। तो इसका प्राइस है 450 रुपये, इसका प्राइस है 400 रुपये। तो दोनों ही बेस्ट हैं। अगर 500 रुपये के हिसाब से आपको कोई माउस लेना है तो इन दोनों में से कोई सा भी लेना, दोनों बढ़िया है, ठीक है। चलने में भी दोनों बढ़िया, अभी मैंने चेक किया लैपटॉप के अंदर। एंड DPI भी दोनों का सेम है, 3600 DPI के साथ ही आता है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 400 में क्या ही मिलेगा, बताओ, 400 में इतना ही मिलेगा। इसकी जो स्विच काफ़ी अच्छी लगी है, HP की जो स्विच है ना, ये स्विच काफ़ी अच्छी है। इसकी स्विच ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, इससे थोड़ी कम है। लेकिन इसके DPI बटन थोड़ी सी ढीली लगती है, लेकिन इसकी काफ़ी टाइट है और काफ़ी अच्छी है। तो दोनों की बिल्ड अपनी अपनी जगह। इन दोनों में से भारी कौन सा है? HP का ज़्यादा भारी है, इसका थोड़ा सा कम भारी है। कंफर्टेबल, दोनों ही कंफर्टेबल है, ठीक है, दोनों इक्वली कंफर्टेबल है। मेरे हाथ के हिसाब से ये छोटा है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है, और ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये ज़्यादा यू शेप का आता है, ये थोड़ा सा हल्का फ्लैट आता है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 19-20 का फ़र्क है। एंड ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे को दोनों ही सेम ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा है इस वाले पे, ईवो फॉक्स वाले पे, इसमें अपन को ये जो दिख रहा है बाहर, ये आपका अंगूठा घिसटने नहीं देगा, ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को। लेकिन ये आपका अंगूठा है ना, पैड से ऐसे टच होता है इसमें, ऐसे करके यूज़ करोगे ना ये टच होगा, लेकिन इस पर ऐसा टच नहीं हो रहा, बिल्कुल सपाट है बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा है ये माउस, दोनों अपने प्राइस के हिसाब से अच्छे हैं, दोनों में ही आपको ब्रेडेड केबल मिलता है, दोनों में से कोई सा भी परचेस कर सकते हो। ये आपको वैसे ही स्क्रॉल करते करते मिल जाएगा। मैं इसका मॉडल मुझे याद नहीं आ रहा, भूल गया, मैं पिन कर दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो देख लेना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है। बताओ कि कौन सा माउस दोनों में से अच्छा है, कंपैरिजन भी हो गया और एक क्विक रिव्यू भी हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।